इस्लाम सेकेंड इयर होप यू ऑल विल फाइन विद द ब्लैसिंग ऑफ अल माइटी जी स्टूडेंट टूडे इज़ ट्वेंटी सिक्स नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी एंड डे इज़ थर्स डे एंड फ्राम नो ऑनवर्ड यू नो दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर ऑनलाइन क्लासेज तो जहाँ से हमने अपनी रेगुलर क्लासेज में अपने सिलेबस का सिलसिला छोड़ा था आज इंशाल्लाह हम वहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग मिस्टर चिप्स जो है उसके फोर चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके थे एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर फाइव और मैं आज आपको बताऊंगी कि चैप्टर फाइव जो मिस्टर चिप था चिप्स का था उसमें क्या कहा गया है जी हम लोग पढ़ रहे थे कि मिस्टर चिप्स जो है वो मस्जिद के घर घंटों अपने ख्वाबों में खोए रहते थे और गुजरे हुए दिनों को याद करते रहते थे और अक्सर ही वो अपने पाँव पर नज़र डालते और हैरान होते थे कि वो कौन सा पैर था जिसने इतना गैर मामूली कारनामा सर अंजाम दिया था आपको पता है कि फ़र्स्ट टाइम मिस्टर चिप्स की आ, हमने चैप्टर फ़ोर में पढ़ा था कि फ़र्स्ट टाइम मिस्टर चिप्स की कैथरीन ब्रिजेस से जो मुलाकात होती है वो किस वजह से होती है जब उनके पाँव में जो है वो मोच आ जाती है और कैथरीन उनको हेल्प आउट करती है और डेली टेक केयर करती है और बाद में वो एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं इसी तरह वो अक्सर ही अपने पाँव को देखा करते थे और हैरान होते थे कि जिसने इतना गैर मामूली करना सर अंजाम दिया है और इसी तरह बहुत से वाकियात की वो एक मामूली सी वजह थी मगर इसकी इस वजह की जो तफसील है वो अक्सर इसके जहन से निकल जाती थी अगर चाहे इस वाक़े के बाद वो कभी लेक डिस्ट्रिक्ट नहीं गया था क्योंकि उस एक दफ़ा ही जब एटीन नाइन्टी सिक्स में लेक डिस्ट्रिक्ट पे लैक डिस्ट्रिक गया था जहाँ पर उसकी कैथरीन ब्रिज से मुलाकात होती है और वो शादी के बाद वापस आ जाते हैं तो इसके बाद वो कभी लेक डिस्ट्रिक्ट नहीं गया था लेकिन अपनी इमेजिनेशन में वो उस ग्रेट गैबल की जो पहाड़ी होती थी यानी वहाँ पर जो गैबल पहाड़ी की चोटी थी और पहाड़ के दामन में चटानों के साथ जो वास्ट वाटर झील थी उसके गहरे पानी को देख सकता था अपनी इमेजिनेशन में वो ये सब कुछ याद करता था इसके अलावा वो याद करता था कि किस तरह से वो खुशी का सामाना था और झील के साथ साथ शाम की चहलकदमी जब वो दोनों मिलकर करते थे तो वो बहुत ही ज़्यादा पुर मसरत थे या पुरमसरत यादें थी उसकी ज़िंदगी की इसके बाद उसे याद आता था कि कैथरीन किस तरह से हमेशा खुश रहती थी कह लगाती थी वो कह लगाता उसको अपनी नज़रों के सामने जो है वो महसूस करता था वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे लेक डिस्ट्रिक्ट में जो इनका स्टे था एक दूसरे के साथ उस दौरान वो एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे एक दूसरे से मानूस हो गए थे वो मिलकर मंसूबे बनाते थे मुस्कबिल के बारे में और संजीदा थे बिलाशुबा कैथरीन का जो ब्रुक फील्ड स्कूल में आना ठीक रहेगा हॉस्टल में वो अक्सर ये कहा करती थी कि कैथरीन का ब्रुकफील्ड स्कूल में आना ठीक रहेगा हॉस्टल में रहने वाले दूसरे उस्ताद भी शादीशुदा थे वो चिप्स से कहती थी कि उसे लड़के बड़े पसंद हैं और वो इनके दरमियान खुशी महसूस करेगी चिप्स आप जो कुछ भी हैं मेरे लिए खुशी का बायस हैं ये मिस्टर चिप्स को आ, कैथरीन जो है वो कहा करती थी आई एम सो ग्लैड यू आर वट यू आर उसने कहा करती थी ओ oh, चिप्स मैं बहुत खुश हूँ कि तुम जो कुछ भी हो मैं उससे खुश हूँ लेकिन वो कहती है कि जब मैं पहली दफ़ा आपसे मिली थी तो मुझे इस बात का खौफ था कि कहीं आप कोई लायर ना हो कोई बिजनेस मैन ना हो कोई डेंटिस्ट ना हो या मानचेस्टर में कॉटन का कोई कारोबार करने वाले ट्रेडर यानी ताजिर ना हो लेकिन ये उस वक़्त की सोच थी जब मैं आपसे पहली बार मिली थी लेकिन जब मुझे पता चला कि आपका प्रोफेशन जो है वो स्कूल टीचर है तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि स्कूल में पढ़ाना कितना मुख्तलिफ और अहम काम है और वो ये कहा करती थी कि टू बी इन्फ्लुएंसिंग दोज़ हु आर गोइंग टू ग्रो अप एंड मैटर टू द वर्ल्ड वो कहते थे वो कहती थी कि ये कितना अच्छा लगता है और कितना अहम काम है कि आप उन लोगों पर असरअंदाज हों जो बड़े होकर दुनिया के लिए अहम हो जाते हैं और चिप्स इसके जवाब में हमेशा ये कहा करता था कि मैंने जब ये टीचिंग का प्रोफेशन ज्वाइन किया तो मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं सोचा था हाँ मैं अपने काम को अच्छे तरीके से करने की हमेशा से कोशिश करता हूँ और वो चिप्स को उनकी इसी सादा बातों की वजह से बहुत पसंद करती थी इस तरह सोचते हुए एक बिल्कुल वाज़ याद उसे कब आती है एक सुबह किसी वजह से एक शदीद तकलीफ़ दे एहसास इस पर तारी होता है कि ख़ुद दूसरों से कम तर है यानी उसको ये एहसास होता है कि वो दूसरों से जो है वो इन्फीरियर है वो उसकी जो डिग्री है वो बहुत मामूली दर्जे की है इसका जो डिसप्लिन है वो बहुत पुअर है और वह उसको बरकरार रखने में अपने नज़म ज़ब्त को उसको काफ़ी मुश्किल पेश आती है और इसकी वजह से उस बात का यकीन है कि वो कभी तरक्की नहीं कर पाएगा और वो इसका अहल ना था कि किसी नौजवान और पुरज्म लड़की से शादी करे इस बात के आखिर में कैथरीन का जवाब जो है वो एक कहके की शक्ल में होता है वो उसकी इन बातों पर वो है मुस्कुरा उठती है शी है उसके कोई वालदेन नहीं थे और वो जो है वो एलिंग में अपने आंट के घर से अपनी आंटी के घर से जो है आ, शादी हो के मिस्टर चिप्स के साथ जाती है और एक रात पहले जब वन नाइट बिफोर द वेडिंग एंड चिप्स लेफ्ट द हाउस टू रिटर्न टू हिज होटल और शादी से एक रात कब जब वो अपनी होटल की तरफ जा रहा होता है मिस्टर चिप्स तो वो कैथरीन जो है वो बनावटी सी मॉक ग्रेविटी मॉक ग्रेविटी होता है यानी बनावटी सी ग्रेविटी संजीदगी के साथ कहती है कि तुम जानते हो ये एक ख़ास मौक़ा है दिस इज़ एन ए यू नो दिस लास्ट फेयर फेयर ऑफ आवर्स तुम जानते हो कि ये जो मौक़ा है वो हमारा लास्ट ऐसा मौका है जिसमें हम आखिरी दफ़ा एक दूसरे को खुदाफिस कह रहे हैं और मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ कि मैं एक नई तालबिल हूँ जो तुमसे पढ़ना शुरू कर रही हूँ एंड और उस तरह से वो क्या उसको कहती है कि बल्कि हर तरह के एहतराम के लिए मैं तैयार हूँ मैं किसी तरह से भी खौफ जदा नहीं हूँ मैं आपको जनाब कहूँ या सिर्फ़ ये इसके वर्ड्स होते हैं जहाँ पर वो ये कहती है शेल आई कॉल यू सर क्या मैं आपको सर कहूँगी और वुड मिस्टर चिप्स बी द राइट थिंग या मिस्टर चिप्स कहना ठीक रहेगा और फिर खुद ही वो इस बात को जवाब देती है मिस्टर चिप्स आई थिंक मेरे ख्याल से मिस्टर चिप्स ठीक रहेगा कहना गुड बाय देन गुड बाय मिस्टर चिप्स और वो फिर कहती है गुड बाय खुदा हाफिज़ खुदा हाफिज़ मिस्टर चिप्स तो ये जो यादें हैं वो बिल्कुल उसको बड़े वाजह तौर पर उसके दिमाग में रहती हैं जिनको वो याद करता है और उसको ये जो ये फर्स्ट टाइम होता है नावल में जब कैथरीन उसको ए शादी से एक रात कब्ल जो है वो गुड बाय मिस्टर चिप्स कहती है ये बहुत इम्पॉटेंट है इस पर क्वेश्चन आता है कि नावल में कितनी बार और कितने लोगों ने जो है वो मिस्टर चिप्स को गुड बाय बोला था तो इस पर क्वेश्चन होगा बेटा आप लोगों ने क्या करना है आप लोगों ने चैप्टर फ़ाइव को दोबारा एक दफ़ा से पढ़ना है ठीक है इसमें और कुछ नहीं है सिर्फ मिस्टर चिप्स और कैथरीन की आपस की यादें हैं जिनको वो याद करता है और आपने इस चैप्टर फ़ाइव के जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको खुद भी अंदाज़ा हो जाएगा एक तो ये गुड बाय मिस्टर चिप्स वाला कि गुड बाय मिस्टर चिप्स कैथरीन कब कहती है ये क्वेश्चन आपने करना है बहुत अच्छे तरीके से और उसके जो बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको ख़ुद ही पता चल जाएगा कि कौन से इम्पोर्टेंट है आइडियल वाले आइडियल से कर लेंगे और सनशाइन वाले सनशाइन से कर लेंगे लेकिन सनशाइन वाले जो हैं वो सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे जो उनके फाइव टू सिक्स कोई क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनते हैं वो उसको प्रिपेयर कर लें ठीक है तो आपने इसको अच्छे तरीके से करना है इन हम लोग नेक्स्ट टाइम जो है वो चैप्टर सिक्स जो है वो स्टार्ट करेंगे टिल देन अल्लाह हाफिज हैव अ नाइस डे